सत श्री अकाल दोस्तों, प्रसिद्ध गजल गायक सरदार जगजीत सिंह होरी एक बहुत बड़ा नाम सन गजल गायकी के खेत्र दे विच। लोग उन्होंने गजल सम्राट के नाम नाल जानते सन, पर खुद एक बहुत ही प्यारी शख्सियत सहगल साहब मेरे नाल ने उन्होंने बहुत बड़े गजल गायक मानते हुए उन्होंने बहुत सम्मान दिया करते सन। सहगल साहब जी, सब तो पहले तो तुहाडा स्वागत, बाकी गल्लां फिर करते हैं, कुछ अपने बारे जानकारी दिओ। पहले तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विनोद सहगल हाँ जी जी, और मैनू मतलब जिथे तुसी बैठे हो इत्थे ही मेरा जन्म होया अंबाला जी कैंट च। बचपन तो मैं शौक है, और ये मेरा जो शौक है वो मैं मेरे विरासत च मिलिया। बुजुर्ग भी मेरे पिता जी श्री सोहन लाल सहगल जी जी, वो बस उन्होंने गाँव का बड़ा शौक सी, बल्कि सिर्फ शौक नहीं सी बल्कि बड़े पक्के गायक सन। क्लासिकल च उन्होंने बड़े बड़े सम्मान मिले, देखो तुसी बड़ा कुछ देख सकते हो जी जी। ते वो रियाज करते सी, ते मैं उन्होंने सुन सुन के मैनू ये एक शौक पैदा होया। मैनू एक तो मेरा पहला शौक तो यह है, मैं थोड़ा पहला इश्क है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी। फिर उस तो बाद फिर जब उन्होंने पता लगा, जब मैं स्कूल दे विच गाण लगा ते लोगों ने दस्या कि मुंडा तुहाडा बड़ा ठीक ठाक गाँदा, फिर उन्होंने पता लगे, फिर उन्होंने मैनू जेडे इत्थे दे उस्ताद सन गुरु जन उन्होंने को ले जा के मैनू उन्होंने को सिखाना शुरू किया जी। तो मैं तकरीबन अंबाला कैंट के जिन्हें भी उस्ताद ने उस वेले हुण ते वो रह नहीं गए जी, लेकिन उस वेले सारे को उन्होंने मैनू ले जा के भेजा। ये मेरा शौक इतों शुरू होया। मैं ये दसो भी सर जगजीत सिंह होरी थोड़ा बड़ा मान सम्मान करते सन, तुहानू बहुत वड्डे गजल गायक मानते सन। मैं जानना चाहांगा भी किन्नी क वार तुहाडी मुलाकात होई उहनां दे नाल। जी दे नाल ते कहानी बहुत बहुत लंबी चौड़ी है। वह तो इस तरह है कि अगर कहानी दिवा लाओगे तो इस तरह है कि वह सिर्फ जगजीत जी तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती, क्योंकि अंबाले कैंट साढ़े जिथे एक गुरु चरणजी लाल जिज्ञासु जी को मैं जाता हूँ सर, उन्होंने एक बहुत मने परवने शागिर्द सन, लोगों को ज्यादा पता, वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सन जी, संगीतकार फिल्मों के जनाब हंसराज बहल साहब जी, जिन्होंने मतलब पंजाबी फिल्मों के तो उन्होंने मतलब बहुत वड्डी पोजीशन च है जी, रखिया गया है, मतलब है नहीं सन। ते श्री हंसराज बहल साहब जिहड़े सी ओ साडे गुरु जी दे शागिर्द रहे ने जी, श्री चरणजी जी गुरु पाए सी आप विच। हां जी हां जी हां जी, तो इत्थे आए ते उन्हां ने मैं सुनिया ते कहण लगे बेटा अगर बंबई आओ तो मुझे मिलना जी। ए ते हंसराज बहल साहब दे नाल मेरी इंट्रोडक्शन सी अंबाले दे विच। ते ओ फिर जदों मेरा बॉम्बे जाने दा सिलसिला बनिया ते मैं सब तो पहले हंसराज बहल साहब को ही गया सा जी। ते उन्हां कोल जाके मैं कुछ 5 साल सहायक संगीत निर्देशक काम कीता जी। उस तो बाद फिर मैं जगजीत जी नू मिलिया जी, क्योंकि आवाज दी तारीफ होंदी सी जी, और मैनू भी शौक सी कि मैं एज ए सिंगर काम करा जी, और मेरा पहला शौक सी फिल्मा दे विच गाउणा। ते गजल गाना या फिल्म च गाना गल इको ही है जी, मेन ते भी अगर तुसी गाना ही चाहंदे हो ते ओ चीज अलग है कि तुहाडी लाइन केड़ी बन जाए जी। हुण तुसी अग्गे हो, मैं ए पुछना चाहांगा तुहाडे कोलो कि फिर फिल्मां च गाया। मैं जी 70 फिल्मां रिलीज होई है जी मेरी। वाह वाह, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੁਣਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ
ज्यादा जी मकबूल हुई लौंग दा लिशकारा जी, यारी जट दी जी, दीवा वाली सारी रात जी, और होर मैं की कहवा तुहानू मैं जी, कोई 20-25 फिल्मां तो मेरी पंजाबी जिहड़ी हिट हुई है ने। कोई रचना जी थोड़े नेड़े सी की वो फिर सांझी हो जाए दर्शकों नाल एक वारी। तो बहुत ज्यादा गली गली च वजिया गाना जी, जिसनु लोग जानते ने गुड़ नालो इश्क मिठा। अच्छा अच्छा हाँ, वो बाद विच बड़े होर भी वड्डे वड्डे गायक ने गा के मशहूर उन्हां दी आवाज च वो तो आया। हाँ जी, तो गुड़ नालो इश्क मिठा फिल्म यारी जट दी दा गाना सीगा। अच्छा जी, और बल्कि मैं किसी ने पहला दूजा तीजा नंबर कह ही नहीं सकता, लौंग दा लिशकारा जी फिल्म बनी सी, बहुत सोहना मोड़ दिता सी पंजाबी फिल्मां नूं। हाँ, ते ओ फिर ओ गाया सी मैं लौंग दा लिशकारा जिहड़ा गाना है ना, जिहड़ा बल्कि तुसी हैरान होवोगे कि ओ मेरी आवाज नूं गुरदास मान साहब दे उत्ते पिक्चराइज कीता गया सी। अच्छा अच्छा, इन पर्दे ते गुरदास मान साहब सन जी। हाँ जी हाँ जी, के ओकड़ा की सी ओ ए भाई ने भाई मैं लौंग कड़ा दे लौंग दा लिशकारा, ओदे विच लाइनां आंदियां ओ कुदरती गल है कि जगजीत सिंह साहब ने मेरे तो गवालिया सी लाइना जी, ते बाद विच ओ सबब ऐसा बनया कि ओ गुरदास मान साहब परदे ते सन ते मैं गा रहा सा। गजल दी दुनिया दे विच तुहाडा बहुत वड्डा नाम है, ते गजल जिहड़ी स्टेज करनी शुरू कीती इत्थे बढ़ती शुरू कीती तुसीं पहला? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਕੁਲਜ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਐਸੀ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਐਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਐਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਨਾਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਗਲ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਫ 80s। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਗਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਲਿਬ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਲਿਬ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸੁਖਨਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੇਂ ਔਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਔਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੇ ਫਿਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਕਰ ਫਰਮਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਰੂਹ ਬਨ ਕਰ ਜ਼ਰਦੇ ਜ਼ਰਮ ਮੇਂ ਸਮਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਗਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ
बड़ी ये जो कौलो करार है क्या है, शक है या इतबार है क्या है? ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ 70 ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿੰਦੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਨ ਉੜੀਆ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ हाँ बड़े रिकॉर्ड रिकॉर्ड है देखो ए प्लेटिनम डिस्क है किन्ने मेरे रिकॉर्ड अपने पाए ने तस्वीर बतेरिया खिंचाई फोटोग्राफ भी लोगों ने बहुत लाए और मैं दुनियादारी च मतलब मैं समझ कि मेरा अपने जीवन का एक ढंग है एक मैं नहीं कहता कि मेरा कोई मन भर गया या ये हो गया हो गया मैं लगता कि बड़ा कुछ करना होंगे अगर तुम अपने जीवन च अगर कुछ करना है सिर्फ यही सब कुछ नहीं है कि मैं बहुत किसी शौहरत दी ओदे विच डुबिया रहा की कहते ना ओ नशे च परिवार दे विच कोई होर भी किसे ने तुहाडी परंपरा ने अगे रखे है देखो सुनन वाले साडे परिवार सारे ठीक ठाक ने जी लेकिन उस तरह कोई परंपरा वाली कोई गल नहीं है ना ही मैनू ये लगता कि कोई परंपरा कोई साडा कोई उस तरह का शौक नहीं है कि जो होता ना कि जिम्मे किसी का कोई खानदानी पेशा होता है या किसी घराने चलाना ऐसा कुछ नहीं है शायद जो ने तुम कि पसंद ने देखो मैं तो दसा मैं जो गालिब साहब न मैं गाने का मौका मिले और रिकॉर्ड भी बाहर आए तो मैं समझना कि फिर गालिब साहब अपने आप च बहुत बढ़िया अजोके शहर शहर अजोके शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਕਸ਼ਲਾਇਰ ਗੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ हाँ जी और शिव कुमार बटालवी जी उन्हों का रिकॉर्ड भी कुछ कर रहे हैं और रब तुहाडा भला करे जिन्हां दे नाम ते जो सम्मान मिल रहा प्रोफेसर मोहन सिंह जी का उन्हों दे कलाम नूं मैनूं गाउण दा भी मौका मिलिया और हाईलाइट है कि जगजीत सिंह साहब ने ही संगीत दिता अच्छा हाँ उस रिकॉर्ड का नाम है इच्छा बल जी जिस च जगजीत सिंह जी मैं और सुखविंदर सिंह एक सिंगर अच्छा, ने बड़े नाम ते असी तिना ने एक गाना गाया आपा ओदा नाम है जी है ना ओ गाया और बड़े बड़े कमाल दे जी शायर ने इत्थे सुरजीत पात्र साहब ने बहुत पसंद ने उन्हां दा एक गाया होया वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मैं कंपोज करके रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन वो जो बाहर नहीं आए तुसी अजे भी अगर दूरदर्शन ते सवेरे 8 बजे अगर टीवी लगाओ ना जलंधर दूरदर्शन जो साडा उथे वो सजरी सवेर एक प्रोग्राम चलता सवेरे वो टाइटल पात्र साहब ने लिखिया सूरज दिया किरण दा सतरंगा साज वजदा है सजरी सवेर इस तो अलावा मैं पात्र साहब दे बहुत सारे कंपोज कीते ने गुरभजन गिल साहब दा भी मैं कंपोज कर रहे हैं पर अजे मतलब अजे उन्हों जिन्हों कहते सही ईश्वर हो रहे हैं उदे नाल हाँ नहीं अजे वो जो कंपोज हो जाएगा फिर रिकॉर्ड करेंगे फिर डेफिनेटली मैं उन्होंने बहुत बड़ा फैन हाँ और तो बड़े जबरदस्त राइटर ने और पात्र साहब के बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुके हैं जेडे अजे सीरियल साढ़े अज तक अजे आए नहीं है अजकल फिर की कर रहे हो अजकल ये है जी मैं कर ही रहा कि एक शिव कुमार बटालवी साहब का साढ़ा एक रिकॉर्ड जड़ा है वो अजे अधूरा पिया है जी उसनों कंप्लीट करांगे और
कुछ उर्दू गजलां दा हिंदी उर्दू जो साड़ी भाषा हैगी है उस नूं अगे प्रमोट करन दे बहुत सारे मेरे कोल जिवें कहिंदे मेरी योजनावां वी ने उस ते कम भी चल रहा। अज विच मैं तुहानूं फिर मुबारक दिया जी, तुहानूं कल नूं सन्मान मिल रहा है प्रोफेसर मोहन सिंह बेदी उत्ते। मैं तो इस नूं कहांगा कि मैनूं थापड़ा मिल रहा है अगे वधण वास्ते कि ताकि मैं अगे मतलब बंदा बंदे नूं सम्मान दूजे वड्डे पारखी लोग ही दिंदे हुंदे ने। बंदा खुद कदी अपने दिल च झांक के तो लगता कि मैं बहुत कुछ अजे करना है ते मैं भी अजे बड़ा कुछ करना है ते उन्हां दी तरफों एक शाबाश है। मैं बड़ा धन्नवादी हां। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा भी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।